हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है ऋण द्विपदी एंड गुणोत्तर वितरण, नेगेटिव बाइनोमियल एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम क्या करेंगे, एक मेथड कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखने वाले, मतलब सारे सम्स करने वाले। वो मेथड है ऋण द्विपदी, नेगेटिव बाइनोमियल के सारे सम्स करने वाले। मतलब एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है इसी मेथड के सम्स, और हमारा एंड होता है क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन 12 तक में सारे सम्स आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूं, जिससे नेगेटिव बाइनोमियल ऋण द्विपदी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। जिसमें सबसे मेन क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जहां पर आपको मोर देन वधु थी वधु लिखा गया, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। पहले बोलना चाहूंगा, जो 4 वीडियो अपलोड किए वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम्स आपको बहुत ईजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे पूरे के पूरे मेथड के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज करना है, संभावना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। जो फॉर्मूला है एन प्लस एक्स माइनस वन सी एन माइनस वन, और यहाँ पी की पावर एन है और क्यू की पावर एक्स है। आई होप कि सब कुछ आपको पता होगा अगर स्टार्टिंग के 4 वीडियो आपने चेकआउट किए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ध्यान से देखिएगा, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अपने पास बुक रखिएगा। लिखा गया एक विद्यार्थी निशानी ताके छे, तो निशान विधि सके तेनी संभावना जीवन बे टका है। मतलब हिट द टारगेट, वो निशानी क्या लग रहा है, विधि सके छे, मतलब टारगेट हिट कर रहा है। मतलब ये हमारी सफलता हुई, सफलता बड़े सक्सेस होगा, तो सक्सेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पी कहा जाता है। तो पी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 0.2। जब भी आपको पी मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको क्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। अगर 0.2 अगर पी है तो क्यू कितना होगा, 1 में से आप माइनस कीजिएगा तो कितना का 0.8 हो जाएगा हमारा क्यू। अगर क्यू दिया तो पी मिल जाएगा। आगे बढ़ते, जब सबसे मेन हमको चाहिए एन प्लस एक्स, उसके बाद एन, और लास्ट में हमको चाहिए एक्स, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया 8वां प्रयत्न, 8 ट्रायल, तीजी वक्त, थर्ड टाइम, निशानी विधि सके तैनी संभावना प्रोबेबिलिटी सुधो। 8 टाइम लिखा गया, टोटल लिखा गया, और उसमें से थर्ड टाइम तीजी वक्त। तो देखिए जो भी हाईएस्ट लिखा गया 8 टाइम वो टोटल होता है, टोटल मतलब एन प्लस एक्स दोनों होता है, जिसमें से तीजी टाइम तो वो हमारा एन होता है। याद रखिए जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारा हमेशा एन होगा, और एक्स कैसे आएगा, टोटल में से हमेशा एन की वैल्यू आपको माइनस करनी रहेगी। टोटल 8 टाइम था, 8 ट्रायल किए थे उसने, उसमें से थर्ड ट्रायल में उसका निशाना लगा था, हिट किया था टारगेट, तो 8 में से 3 माइनस कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका एक्स कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, 8 और 3 उसमें से माइनस करके आया 5। अब बस फॉर्मूला में एक बार वैल्यू हम अप्लाई कर देते, उसके बाद आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू राइट डाउन करने की कोशिश करूंगा। समझिएगा एन प्लस एक्स माइनस वन, इसलिए मैंने एन प्लस एक्स साथ में लिखा, जैसे आपको पता चले कितना है 8, 8 में से 1 माइनस कीजिए कितना आएगा 7। फॉर्मूले वाइज ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेशन होता है, क्योंकि आगे वाले सम्स के अंदर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर पी क्यू एन बता दूंगा, आप फॉर्मूला खुद सॉल्व कर लेंगे। 7c, अब यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में, एन माइनस वन, एन कितना है 3, 3 में से 1 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते पी, पी की वैल्यू कितनी है 0.2, इसकी पावर क्या है हमारे यहाँ पर एन है, एन बराबर कितना है यहाँ पर 3। सेम क्यू, क्यू का कितना वैल्यू यहाँ पर 0.8, और उसकी पावर क्या है यहाँ पर एक्स है, एक्स बराबर कितना निकला 5। कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा, सी का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आई होप सबको पता हो, नहीं पता ध्यान से समझिएगा। ऐसा एग्जांपल में थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के समझाता हूँ, 7 2 c दिया, जैसे 5 c 3 दिया हो, या 25 c 4 दिया हो, तो समझिएगा कैसे सॉल्यूशन होता है सी का, जिससे आगे वाले सम्स में आपको समझ में आएगा। पहले जो यहाँ पे जो दिया गया था इसको आर बोलते हैं, आपको अपॉन में लिखना है और एंड 1 तक लिखना है, आपको कल तक लिखना है 1 तक, 2 × 1, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 2 1, एक तक पीछे जाना है आपको, 4 लिखा है तो 4 3 2 1। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ का क्या किया गया। अब क्या करना है, 7 है तो 7 को भी पीछे ले जाना है, बट कितना डिजिट तक, यहाँ पे जो लिखा उसके अकॉर्डिंग 2 डिजिट तक, तो 7 के पीछे कितना हो गया 6, 2 डिजिट हो गया, उसके पीछे जाना नहीं है। यहाँ पर 3 लिखा गया, मतलब 5 को 3 डिजिट तक, डिजिट बोल रहा हूँ, एक डिजिट हो गया 5, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर 4, तो 25 को 4 डिजिट तक आपको पीछे लिखना है, 25 5 24 और 23 और 22, 4 डिजिट तक आपको पीछे लिखना है। इस तरह से सॉल्यूशन होने वाला है सी का, आई होप आप समझ गए होंगे, जिससे आगे वाले सम्स में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर 7c2 का समझ गए, 7 × 2 = 6 डिवाइड में 2 × 1, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है आपको ऑलवेज 21। अब यहाँ 0.2 का कितना टाइम है, 3 टाइम है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है आपको 0.2 × 0.2 × 0.2, 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखा मतलब 3 टाइम, तो आप करिएगा 0.008 आपको मिलेगा।
यहाँ पर 0.8 का 5, सेम समझ गया, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0.8 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम कैल्सियम आप 5 टाइम कीजिएगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.3276, ऐसे तो इसको 7 कर सकते हो लास्ट वाले 6 को, मैं 8 लास्ट डिजिट राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब तीनों का क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई, हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से मिलेगा 0.05505। अब आपको पता है कि हमारे पॉइंट के बाद चार डिजिट में आंसर लिखना है, तो पहला 0, दूसरा 5, तीसरा 5 और चौथे वाले को यहाँ 5 होने की वजह से इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में एक्सप्लेन अच्छे से आ चुका होगा कैसे सॉल्यूशन करना है। अब इसके बाद के जो सम्स है, अब मैं उसमें आपको पी क्यू एन प्लस एक्स एन और एक्स अगर बता दूंगा तो कैलकुलेशन करके आई होप कि आप आंसर ला लेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम्स का आपको क्लेरिफाई कर पाऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंटिन्यू हम देखेंगे नंबर 4, अगर कहीं कन्फ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ, यहाँ सिक्को कॉइन की बात की है, अब सिक्के के अंदर बोला छाप हेड, हेड मिलेगा उसकी सम्मान है, तो हेड जो है छाप जो हमारी सफलता है सक्सेस है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर पी हो जाएगा। प्लीज पी क्यू को ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा गया 1/2। अब ये 1/2 को हम पॉइंट में कर सकते हैं, पूरा अगर डिवाइड में जा रहा है तो पॉइंट में कर दीजिए, 0.5 एग्जैक्ट डिवाइड में जा रहा है, जैसे कि पॉइंट में सॉल्यूशन थोड़ा ईजी होता है, पर जिसमें डायरेक्ट डिवाइड करके पूरा पूरा डिवाइड में आंसर आपको ना मिले, आपको लास्ट तक पॉइंट मिले तो उसमें आपको अपॉन में ही सॉल्व करना रहेगा। तो पी के बाद क्यू, तो क्यू तो आप समझ गए, पॉइंट 5 माइनस कीजिए 1 में से, तो इसका भी 0.5 ही आएगा। आगे बढ़ता हूँ, कोई एक अंक व्यक्ति 12वां प्रयत्न, टोटल कितने प्रयत्न कितने किए उसने ट्रायल 12 टाइम, और पांचवी वक्त 5th टाइम, तो आप 12वां अने पांचवी वक्त, तो आप समझ गए होंगे जो n प्लस एक्स होगा वो कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, वहाँ पर पांचवी वक्त वो हमारा n होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं 12 में से 5 माइनस कर लीजिए तो ऑटोमेटिक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर हो चुका, अब इसकी संभावना प्रोबेबिलिटी निकालना, आई होप आप इजीली कर लोगे, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा सम्स करा पाओ। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखिएगा इससे पहले के जो भी चार वीडियो अपलोड है वो जरूर देखिएगा, उसके बाद आज का वीडियो आपको बहुत ईजी लगेगा, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इसी को मत देखिएगा। नंबर बढ़ता हूं 5 की ओर, तो यहाँ हाफूस कैरी मैंगो की बात की है, जिसमें 90% कैसी मीठी स्वीट से, जिस मीठी लिखा है स्वीट लिखा है, मतलब हमारा सफलता पी होगा, पर याद रखिए 90% लिखा है, परसेंट के लिए अपन में क्या लगाने का 100, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0.9 होगी, क्योंकि कभी 1 से ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, टोटल 1 ही होता है, तो 0.9 आ गया। अब पी आ चुका तो क्यू आप ऑटोमेटिक समझ गए 0.1 आएगा, 1 में से माइनस कर लीजिएगा। अब यहाँ एन प्लस एक्स कितना देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर डायरेक्ट मैं आ जाऊँगा आठवीं कैरी, आठवीं टोटल कितना 8 दिया गया, जिसमें से उसको छठी मीठी कैरी, छठी एक्चुअली उसको रिक्वायरमेंट 6 की थी, तो छठी कैरी उसको मीठी मिल गई, तो टोटल हो गया 8, जिसमें से 6 टाइम छठी बार जाके उसको मिला, और यहाँ पर x बराबर माइनस करके 8 में से 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, सब क्लियर हो चुका है, फॉर्मूला लगा के आप आंसर ला लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे मैंने बटाटा पोटेटो के बारे में लिखा गया, सड़ेलू लिखा गया, मतलब इंग्लिश में लिखा होगा रोटन, मतलब ये पी नहीं है, पी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की बात नहीं की है, सड़ेलू से रोटन है, मतलब यहाँ पर क्यू की बात की गई है, क्या हमारा क्यू होगा, क्या लिखा गया, वो 1/4 लिखा गया, अगर इसका कंप्लीट डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड कर लीजिए जो जा रहा है 0.25, तो पी आप समझ गए, 1 में से माइनस करना है, 0.25 को माइनस कीजिए 0.75 आ जाएगा। आई होप ये क्यू क्यू हुआ, अब समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा गया आगे 9वां बटा, उसको 9 चाहिए टोटल, जिसमें से 5वां जाके उसको अच्छा मिलता है 5वां बार, तो n प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और पांचवा वक्त वो हमारा n हो जाएगा, और x तो आप जानते हैं माइनस करके कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी हो गया कंप्लीट, पूरा सॉल्यूशन आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले के प्लीज चार वीडियो जरूर देखिएगा। आगे यहाँ समगन पासा डाई की बात की, बहुत बार ऐसा सवाल एग्जाम में आता है ये डाई, इसमें बेकी नंबर लिखा इवन नंबर, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बेकी इवन क्या, समझाता हूँ ध्यान से समझिएगा, तो उसको सफलता बोला गया, तो पी कैसे डिसाइड होगा समझिएगा, पी डिसाइड करें, टोटल आप जानते हैं नंबर कितने होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं पास से, पर 1 से लेकर 6, जिसमें से उसने आप क्या मांगा इवन नंबर, इंग्लिश में लिखा इवन, गुजराती में लिखा बेकी, बेकी मतलब क्या होता है 2, 4 और 6, मतलब एक ही लिखा हो तो 1, 3 और 5 ऑड नंबर, या टोटल कितना हो गया डिजिट गिनना आपको 3 हो गया, मतलब 3 डिजिट आपको सफलता मिल रही है 6 में से, तो क्या होगा 3/6, बेसिक है एम अपन में एन, 6 में से 3 बार आपको सफलता मिल रही है, तो 3/6 और इसको डिवाइड कंप्लीट करके 0.5 हमारा आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्यू बराबर 0.5 हो गया। आई होप ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में लिखा गया 10वां प्रयत्न, टोटल 10 टाइम किया, छठी वक्त 6 टाइम, तो एन प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा
10 हो जाएगा, और यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस करके x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये सम्स हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप सबका आंसर इजीली ला पा रहे होंगे कैलकुलेशन करके फॉर्मूले में रख के। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। वैसे तो इसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, चेकआउट कीजिएगा, पर यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, फटाफट देखिएगा। हेतु लक्ष्य मतलब यहाँ पर ऑप्शन वाइज कसौटी टेस्ट ली गई, जिसमें तीन विकल्प, तीन ऑप्शन दिए गए, समझिएगा, आगे ध्यान से पढ़िएगा। फक्त एक विकल्प साचो से, ओनली वन जो होगा वो करेक्ट होगा, तो वहाँ डायरेक्ट हमको बता दिया तीन में से एक ही करेक्ट है, तो आपका यहाँ पर जो पी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तीन में से एक करेक्ट है, तो थ्री अपॉन में आएगा वन बाय थ्री, तो ये हमारा पी हो जाएगा। अब इसका डिवाइड करो जो 0.33 आपको ऐसा मिल रहा है, तो आप डिवाइड में सॉल्यूशन मत कीजिए, इसको आपको अपॉन में ही रहने देना पड़ेगा, और ऐसे आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पी की वैल्यू यही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या आएगा, वन में से आपको माइनस करना रहेगा, तो थ्री का मल्टीप्लाई किया थ्री, थ्री में से वन माइनस किया कितना है टू, टू बाय थ्री, वरना आप समझिए तीन में से वन माइनस कर लीजिए टू बाय थ्री आएगा कि नहीं आएगा, पी क्यू समझ गए। अब आते हैं एन प्लस एक्स कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, एन प्लस एन के मैं लास्ट लाइन पढ़ो डायरेक्ट, आठवां प्रयत्न, आठ लिखा टोटल, तो एन प्लस एक्स आठ हो जाएगा। आगे जाकर लिखा गया तीन प्रश्नों में जवाब साचो मिले छे, तीन प्रश्नों के क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है, उसको करेक्ट मिलते हैं, तो एन बराबर थ्री हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस करके कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा। अब स्लो आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन 9 के अंदर आप देख रहे होंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बल्ब की बात की गई जिसमें खामी वाड़ा लिखा, पहला प्लीज खामी वाड़ा डिफेक्टिव लिखा गया, तो ये हमारा क्यू दिया गया, प्लीज ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी, कई बार पी होता है कई बार क्यू होता है, खामी वाड़ा है 0.1 है, तो पी समझ गया 0. कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 0.9। आगे मैं लास्ट लाइन की ओर डायरेक्ट जा रहा हूँ, नौवां बल्ब, नौ बल्ब की बात की टोटल, एन प्लस एक्स बराबर 9, जिसमें से सातवां बल्ब खामी वगरनो रहेगा, नॉन डिफेक्टिव नन, तो सातवां, तो एन बराबर 7 हो जाएगा, और तो एक्स बराबर माइनस करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कंप्लीट हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ रहा हूँ, थोड़ा स्पीड समझा रहा हूँ, बट आई होप आप समझ पा रहे हो क्योंकि प्रीवियस चार वीडियो आपने देखे, तो ये तो फटाफट आपको समझना है। जस्ट यहाँ पर खिलाड़ी की बात की है जिसमें छग्गो हिट करा सिक्स मार रहा है, तो ये तो सफलता हुई ना उसकी, अगर बॉल में सिक्स लग रहा है हिट हो रहा है, तो हमारे पी होगा 1/3, इसको भी पॉइंट में नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह से आने वाला है, तो क्यू बराबर क्या होगा, वन में से माइनस करना है, थ्री में से वन ऊपर का माइनस कीजिए, ऊपर जो वैल्यू दी वो माइनस कर लेने की, तो 2/3। एन प्लस एक्स की बात कर लेते तो यहाँ पर छठा दड़ामा सिक्स, छह बॉल उसने खेली है, एन बराबर थ्री, और माइनस करके एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वो भी सिक्स में से थ्री माइनस कीजिए थ्री आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 11 में कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट सम है इसी मेथड का, यहाँ पे पत्ता कार्ड्स की बात की गई है, पर ध्यान रखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में, सॉरी यहाँ पर मिडिल में ध्यान से देखिएगा, उसमें सब इन्फॉर्मेशन दी गई है, कार्डिनो पत्तू, प्लीज ध्यान रखिए कार्डिनो पत्तू लिखा है, इंग्लिश में शायद स्पेड लिखा होगा कार्डिनो पत्तू, तो एक टाइप है, ये प्रकार है जिसमें कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो अब पी के लिए याद रखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, राइट, उसमें से काड़ी के पत्ते चाहिए, स्पेड के पत्ते 13 पत्ते चाहिए उसको, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए या फिर 1/4 लिख लीजिए, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करके 0.25 हमारा पी हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो क्यू बराबर माइनस करके कितना आया 0.75 आया। अब यहाँ एन प्लस एक्स की बात कर लेते, तो इसी लाइन में लिखा गया सातवां प्रयत्न 7 लिखा हो गया, जिसमें से थर्ड टाइम उसको वो पत्ता मिलता है, तीजी बार तीजू वक्त वो पत्तू मरे, तो टोटल 7 हो गया, जिसमें से एन बराबर तीजी बार थर्ड टाइम, तो n बराबर 3 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस तरह से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आते हैं हमारा मेन जो सम्स आपको सीखना है, यहाँ पर थ्री वधू वाला जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज की वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, वैसे तो आपको आ ही जाना चाहिए, थोड़ा सा हेल्प करो तो भी, बट कोशिश करूंगा कि मैं पूरा समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया एक व्यक्ति निशान विधवानी संभावना 0.8, यहाँ पर वो टारगेट हिट कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आप समझ गए होंगे हिट कर रहा मतलब पी, पी बराबर 0.8 होगा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 0.2। अब देखिएगा चौथो निशान विधि सके त्यारे तेने इनाम मड़वानु छे, फोर्थ टाइम उसको सक्सेस कब होगा जब चौथी बार, तो ये एन प्लस एक्स नहीं दिया गया, प्लीज ध्यान रखिएगा एन दिया गया, क्योंकि चौथी बार निशान लगेगा उसका, फोर्थ टाइम उसका निशाना हिट करेगा, एन बराबर फोर दिया गया। आगे जाकर उसने टोटल कितने ट्रायल किए, सात थी वधु प्रयत्न, सात थी वधु मोर देन 7, इस बात को ध्यान से समझिएगा, सात थी वधु लिखा गया मोर देन 7, तो इसका अगर वर्ड का मीनिंग आप समझिएगा, ये हमारा एन प्लस एक्स दिया गया मोर देन 7, तो 7 के लिए यहाँ पर सिंबल क्या आएगा, ग्रेटर देन 7,
तो ये सिंबल समझिएगा ग्रेटर, इसके नीचे अंडरलाइन नेट की मत कीजिएगा, अंडरलाइन तब आएगा जब सात के तेती वधु, सात और मोर देन, सेवन और मोर देन लिखा तो नीचे अंडरलाइन आएगा। आप समझ गए एन बराबर फोर डायरेक्ट दिया और टोटल दिया गया सेवन, सेवन में से ज़्यादा किए गए, तो अब यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आपको सेवन में से फोर माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। बट साइन ये ग्रेटर देन भूलिएगा मत, क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन थ्री मतलब एक्स बराबर आपको थ्री का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, ग्रेटर देन थ्री, तीन से ज़्यादा, तो तीन से ज़्यादा क्या होगा चार होगा, उससे ज़्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं हमको पता नहीं, चार पाँच छः कितने भी होंगे। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये सब फाइंड आउट नहीं करते, तो इसके अलावा जो बचा ना वो फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा कहाँ बचा, थ्री तक बचा ना, मतलब जीरो से लेकर थ्री तक, जीरो से लेकर थ्री तक की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पर फिर भी वो आंसर नहीं होगा, सबको प्लस करना पड़ेगा और लास्ट में वन में से माइनस करना है आपको, तब जाके इसका जो आंसर आएगा वो मोर देन थ्री का आंसर मिल जाएगा, मोर देन थ्री का आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। अब फॉर्मूले में रखकर वैल्यू आई होप कि आप कर पाएंगे, ठीक है, फिर भी लगेगा ये कन्फ्यूजन आप नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोर देन के सारे सम्स करा दूंगा, इस मेथड के और नेक्स्ट मेथड के भी। तो यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट, मैंने स्टार्टिंग से लेकर 12 जितने सम्स मैंने करा दिए, फिर भी कोई क्वेरी है किसी सम्स में तो मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।